देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। ताजा तारीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं एंकर स्वानी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। सुमावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उरेहरा पर आयोजित जाटव समाज की महापंचायत में विभिन्न गांव से पधारे हजारों की संख्या में वरिष्ठ जन युवा साथियों द्वारा अजब सिंह कुशवाहा को समर्थन देकर उत्साह बढ़ाया और कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने का पूर्ण विश्वास दिलाया और संजू जाटव ने अजब सिंह कुशवाहा के लिए मांगे वोट। सभा में अपनी बात रखने से पहले डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की ये भूमि है, मैं उनको नमन करता हूं और बहुजन समाज में जिन्होंने सभी संत महापुरुषों को श्रद्धा के समान अर्पित करता हूं। जैसा कि आज दीपावली का त्यौहार है तो मैं अपनी ओर से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप लोगों का जैसा कि अभी मैम संजू जाटव जी ने जो कहा और उन्होंने आपका जो भी संख्या संशय था वो दूर किया है, मुझे आपने पूर्ण मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन मैं आप लोगों को भी और भरोसा दिलाता हूं, आज एक सुमावली में इतनी सभा करने नहीं आई, ये शायद 3-4 दिन से तो प्रतिपुर और निवाणी में थे। मैंने आज को इनसे निवेदन किया कि भाई जी आप थोड़ी देर के लिए मेरे को दे दो, नहीं तो इनका 13-14 पते 3 दिन का समय सुमावली का था। आज तो ये दीपावली पे वहां से छुट्टी मिल गई तो घर पे थी, तो मैंने कि तुम 2-10 मिनट के लिए मात्र आ जाओ, इसलिए वो आई है। लेकिन मैं आप लोगों को अपने नौजवान साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी और आपने इस भाई को बेटे को यहां से चौकीदार बनाया तो मैं इनके किसी वरिष्ठ पद के लिए मैं माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करूंगा और आप लोगों को मुझ पर भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो टिकट हुआ है, जब मैं टिकट पर अड़ सकता हूं तो इनके पद के लिए भी मैं अड़ सकता हूं। माननीय कमलनाथ जी को मजबूर कर दूंगा इस बात के लिए, एक जाटव समाज की बहन नहीं है, एक कुशवा समाज की भी बहन है। कुशवा समाज का भाईचारा कोई आज का नहीं भाईचारा है, ये भाईचारा बहुत पुराना भाईचारा है। कुछ लोगों ने दूरियां बनाने की कोशिश करी और 1-2 साल के लिए हो सकता है छोटी पूरी दूरियां हो गई थी, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा एक भाईचारा बन चुका है। तो बहन जी मैं आपको भी भरोसा दिलाता हूं, ये भाई आपके लिए दिन रात कर देगा जब आपका समय आएगा। तो अभी तो मैं चुनावी दौर में हूं, मेला मेरा बैठा हुआ है और समय मिल नहीं पाता है बिल्कुल बात करने का भी, तो इसलिए इकट्ठे ये आप एक साथ बुला के आप लोगों से इनको भी भाषण के माध्यम से समझा दिया गया है। हम तो गांव गांव जा ही रहे हैं और दूर दराज से मेरे पिता तो बुजुर्ग नौजवान जवान साथी आए, सभी को शायद भोजन की व्यवस्था है, सब भोजन व्यवस्था करके जाएंगे और मैं आपका आपको त्योहार के दिन आपने कीमती समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद के साथ साथ आभार भी व्यक्त करता हूं।